तो हार्डवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल मत करिए, और सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कि देखिए ऐसे आपके प्रिंटर में अगर सर्विस रिक्वायर्ड, द इंक पैड इज एंड ऑफ सर्विस लाइफ और सर्विस रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए मैं नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ, ये नंबर है, और आपके रेड लाइट ऐसे जलती है, प्रिंटर का मॉडल नंबर कोई सा भी हो अगर रेड लाइट ऐसे जलती है वन बाय वन, कभी पेपर पे कभी इंक पे, तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। और एक दूसरा सिम्टम है ये, अगर ये मैसेज आ रहा है आपके सर्विस रिक्वायर्ड द प्रिंटर इंक पैड इज एंड ऑफ सर्विस लाइफ प्लीज कॉन्टेक्ट एप्सन सपोर्ट, तो आप मेरे से संपर्क करिए, मैं आपको नंबर मेंशन कर रहा हूँ उस पर संपर्क करिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा और ऑनलाइन लेके इसको ठीक कर दूंगा। और अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम है तो जितने भी हार्डवेयर के रिलेटेड वीडियो है मैं डाल चुका हूँ, आप मेरे को बस व्हाट्सअप करिए, अगर आपको नहीं मिलता तो मैं आपको बता दूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं नील वैष्णव आज फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। आज मैं बताऊंगा कम्प्लीटली जैसे वायर वगैरह कैसे करते हैं। ये प्रिंटर है L380, इसकी पूरी कंप्लीट सर्विस बताऊंगा। आप मॉडल पे नहीं जाएं क्योंकि 210, 220, 360, 365, 380, 85 ये सारे मॉडल एक से हैं, कोई भी प्रिंटर हो एप्सन का लगभग समान प्रॉब्लम होती है, तो मॉडल पे नहीं जाए कि ये 380 है तो 380 में ये चलेगा, जो बता रहा हूँ वो सॉल्यूशन होगा, ये सब में होता है, मॉडल पे नहीं जाए। ये 380 है और इसमें गणेश जी महाराज की ऐसी मनु कंपा से इन्होंने फर्स्ट टाइम में फोटो भगवान की नहीं निकाली, जिसके कारण इनका कांड हो गया और महाकांड हो गया एक्चुअली। तो ये हेड की वायर, सेंसर की वायर और डाटा स्ट्रिप, बेल्ट, ये सारा कुछ काट दिया है। बेल्ट का जुगाड़ हो सकता है और बेल्ट का जुगाड़ करना ही बताऊंगा, लेकिन इनका कोई जुगाड़ नहीं होगा, ये केबले चेंज ही करनी पड़ेगी, जो ये केबले कटी है, जो चूहों ने काटी है, ये चेंज ही करनी पड़ेगी। तो इनको कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे पूरा खोलते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। देखिए ये यहाँ स्क्रू है, सबसे पहले अपने को ये स्क्रू खोलना होता है, ये स्क्रू खोल दिया मैंने और उसको ऊपर उठा के स्कैनर यूनिट को और इस साइड में धक्का देंगे, यहाँ एक लॉक लगा रहता है, इस साइड में धक्का देंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ज्यादा जोर से नहीं देंगे क्योंकि यहाँ हेड की स्ट्रिप, ये इसकी स्कैनर की स्ट्रिप होती है, अगर ज्यादा जोर से धक्का देंगे तो ये कट जाएगी, ठीक है। फिर इसको ऊपर करके यहाँ एक स्क्रू होता है वो खोल लेंगे, ये यहाँ से स्क्रू खोल दिया है, अब इसको ऊपर करेंगे ये खुल जाएगा, इसको खोल लिया और ये हेड, ये इसके अंदर केबल है, इसको निकाल लेंगे, ये अलग कर दिया है हमने। अब ये अपने हेड के केबल्स है, ये अपने को चेंज करनी है। इस प्रिंटर में जो ने कांड किया है और इसको सही करना है, और बाकी ये हेड की केबल तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, ये यहाँ से निकल जाएगी और ये लग जाएगी, लेकिन ये जो मोटर पे बेल्ट लगती है ये इसको पूरा खोलना पड़ेगा, इसको पूरा बाहर निकालना पड़ेगा तभी लग पाएगा। तो इसको कैसे बाहर निकालते हैं वो बता देता हूँ, इसको बाहर निकालने के लिए एक बार ये इसको खोल लें यहाँ से, साइड वाले ढक्कन को खोलने के लिए पीछे की तरफ दो लॉक है नीचे से, उनको प्रेस करके बाद में पीछे की तरफ खींचना पड़ता है, एक लॉक यहाँ होता है इस तरफ साइड से खोलना पड़ेगा, एक लॉक पीछे की तरफ होता है, उसको प्रेस करके तो खोल लेंगे और ये पूरा साइड में हो जाएगा, ये अपना साइड में हो चुका है। अब वायर को थोड़ा और लूज करने के लिए मेरे को ये खोलना पड़ेगा, जो पाइप के कवर हैं उनको खोलेंगे, पाइप का कवर हटा दिया मैंने, इनसे वायर थोड़ा और लूज हो जाएगा, अपने को स्पेस मिल जाएगा।
अब अपने को इसको पूरा खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए एक बार इस कवर को भी ओपन कर देने के बाद ध्यान रखेंगे यहाँ एक स्क्रू होता है, इस स्क्रू को खोले बगैर ये साइड वाला ढक्कन पूरा नहीं होगा, हटेगा नहीं। तो यहाँ एक स्क्रू होता है अंदर की साइड में, वो स्क्रू खोल ले, या पहले स्क्रू खोल के बाद में भी लॉक खोल सकते हैं। हाँ, कवर खुल चुका है, प्रिंटर पूरी तरह से खुल चुका है, आप देखिए। और अब अपने को इसको निकालना है, क्योंकि ये हेड, इसके पीछे भी एक सेंसर की स्ट्रिप लगेगी, यहाँ से निकल के जो पीछे की तरफ जाती है सेंसर की स्ट्रिप लगेगी, और अपने ये स्ट्रिप लगेगी। इन सबको लगाने के लिए अपने को पूरा खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए अपने स्क्रू है यहाँ पे, ये स्क्रू हटाएंगे। ये स्क्रू खोलेंगे, अगर हार्डवेयर की आपके कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मेरे बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं उनको देखिए और उनको देख के सही करिए। अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है जैसे कि रेड लाइट 1/1 जलती है तो आप मेरे को कॉल करिए, मैं आपकी सॉल्यूशन कर दूंगा। अगर हार्डवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे वीडियो देख के सही कर सकते हैं। इसको खोलने के लिए ये मोटर हटानी पड़ेगी, तो इस मोटर के जो दो स्क्रू हैं वो खोल रहा हूँ। कई बार हेड ये ऐसे ही मूव करता रहता है, इधर उधर टच होता रहता है, लेकिन कुछ सेंस नहीं करता है, तो ये समझ लें कि ये अपने को ये खोल के और पीछे वाला सेंसर चेक करना है। तो आज वो अगर प्रॉब्लम आती है तो भी आपके ये काम का वीडियो है। और हेड की केबल्स वगैरह या सेंसर की केबल्स वगैरह चेंज करनी है, ये आपके ये बेल्ट टूट गया है ये चेंज करना है, ये इसका जुगाड़ करना है, तो भी आपके लिए काम की वीडियो है। तो इसको आगे तक देखें, लास्ट तक देखें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है। और लाइक करें, और अगर आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर दें, लेकिन कुछ तो आप इस पर रेस्पॉन्स दें। आपको कुछ कमी लग रही है तो मेरे को बताएं, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। इस साइड में एक स्क्रू होता है, इसका सारे स्क्रू फ्री कर लें आराम से, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी टूटने के बाद में वापस मुश्किल हो जाता है। ये इसको पूरी तरह से फ्री करके बाद में निकालें, क्योंकि हेड के नीचे है ना बहुत एकदम सॉफ्ट होता है, अगर यहाँ से निकालते टाइम पे टच हो गया तो हेड डैमेज हो जाएगा अपना। तो निकालते टाइम में सेफ्टी का ध्यान रखें, और बिल्कुल भी जल्दबाजी। साइड में एक स्क्रू और होता है इसका, स्टील वाले का, जहाँ पे हेड चलता है, तो उसको भी एक बार लूज कर लें। ओके, हेड अब आराम से बाहर निकल गया अपना। और इसका मैं बोल रहा था, देखिए ये चूहों ने इस तरह से काटा है, ये चेंज होगा। इसको चेंज करने के लिए तो इसका जुगाड़ बताता हूँ। और जिस सेंसर के बारे में मैं बार बार में बात कर रहा था कि हेड ऐसे ही मूव करने लग जाता है, तो ये है वो सेंसर है, इसको भी साफ कर लें। और ये अपने वाली जो स्ट्रिप है, ब्लैक वाली स्ट्रिप जो पीछे लगी रहती है, वो एक्चुअली इसके अंदर से लगी रहती है, ये इसके अंदर से लगी रहती है ऐसे, और ये इसको सेंस करता है। तो कई बार क्या होता है, इस पर जैसे ये हाथ लग रखा है मेरा, तो ये इसको रीड नहीं करेगा, तो इसको भी साफ कर दें और ये चेक कर लें कि ये प्रॉपर लगी हुई है, और इसकी सेंसर की जो केबल है वो प्रॉपर लगी हुई है, ये चेक कर लें। अपने को मार्केट से माल नहीं मिल पाता, ये स्ट्रिप वगैरह केबल्स वगैरह नहीं मिलती है, तो मैं आपको इसका जुगाड़ बता देता हूँ। ये मैंने स्टेपल कर दिया दोनों तरफ से, ऐसे स्टेपल कर दें, और उसके बाद में इसमें ऐसे मोड़ के लगा दें इसको। ये स्ट्रिप देखिए मैंने इस टाइप से फिट किया है यहाँ पे, और इस पे 5 का दम लगा दिया है फेविक्विक, और ये फिक्स हो गई है अभी। अब अपने को इसको वापस सेट करना है, लेकिन वापस सेट करने से पहले एक बार चेक कर ले, ये हेड की केबल चेंज कर ली अपने को, ये हेड की केबल चेंज कर देते हैं। इस हेड का विशेषकर ध्यान रखेंगे कि ये कहीं टच ना हो, अगर ये कहीं टच हो गया तो ये बेकार हो जाएगा फिर। तो इसको सेफ्टी के लिए कोई कपड़ा वपड़ा ले लें,
टू करेगा, इधर टकराएगा उधर टकराएगा, सेंस कुछ भी नहीं करेगा और रेड लाइट जला देगा। तो कई बार आपके प्रॉब्लम्स आती है, तो यहाँ देख ले कि इंक के अगर छींटे भी लगे हुए हैं इस स्ट्रिप्स के, डाटा स्ट्रिप्स के, तो ये चेक कर ले, उसको साफ करना पड़ेगा। और ये पीछे से सेंसर को चेक कर ले कि इसमें सेंसर में प्रॉपर लगी हुई है कि नहीं है। तो देखिए मैं इसको लगा देता हूँ, बस आप कसना है इसको, उसके बाद में डाटा केबल्स वगैरह सारी कुछ लगाएंगे। ये स्ट्रिप लगा रहा हूँ, हेड अपना लग चुका है अंदर, फिट नहीं किया अभी। और ये स्प्रिंग है जो इसके लगती है, ये स्प्रिंग लगाएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि एग्जैक्ट मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे मेरे साथ में भी नहीं होती है, तो आपके साथ में भी नहीं होगी, इसलिए हिम्मत ना हारें, कोशिश करेंगे ये सेट हो जाएगा पूरा, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो खर्चा हो जाएगा। तो देख लीजिए आपको सेट करना है खर्चा करना है, और सारा कुछ सेट होता है, बड़ा आसानी से हो जाएगा। लेकिन थोड़ा जो एग्जैक्ट मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे मेरे साथ में भी नहीं होता है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, काट काट के वीडियो बनाना पड़ता है, कई समस्याएं मेरे साथ में भी आती है, आपके साथ में भी आएगी। लेकिन हिम्मत ना आ रही, कोशिश करते रहें, हो जाएगा। ये यहाँ स्प्रिंग होती है, उसके अंदर ये लगेगा, उसके बाद में सेट होगा। तो स्प्रिंग में मैंने लगा दिया और इसको सेट कर दिया है, ये यहाँ स्प्रिंग होती है। और यहाँ ये होता है, इसमें लगेगी और लक्षण बन गए। ये हेड की पिन में लगा चुका हूँ, ये स्ट्रिप पीछे वाली स्ट्रिप लग चुकी है, ये स्प्रिंग लूज हो गई थी तो इसको थोड़ा टाइट करके वो मोड़ के लगाया। और अब ये मोटर लगानी है, मोटर लगाने के लिए मोटर यहाँ सेट करें और आगे से चेक कर लेंगे ये प्रॉपर बाहर निकल जाए। स्क्रू प्रॉपर कसने हैं, टाइट कसने हैं, लूज नहीं रखने अपने को, स्क्रू मैच करा के स्क्रू कस दें। ये देखिए हमने इसको पूरा पैक कर दिया, अभी हेड की केबल्स वगैरह सारी लगा दी है, उसको पैक कर दिया है, जैसे खोला था वैसे पैक होगा। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने पैक करके पूरा बता दिया है। वही प्रिंटर है 380, ये हेड की केबल लगा दी है मैंने, ये पीछे वाला लगा दिया, ये केबल चेंज हो गई है। और ये इसकी कटी हुई केबल थी वो ये रही, और ये चेंज हो गई है, लगा दिया। अब इसको एक बार ऑन करके आपको प्रिंट निकाल के दिखा देता हूँ। मैंने ये स्कैनर यूनिट वापस लगा दी एक बार चेक करने के लिए, लेकिन ये पूरा पैक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको और अलग टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में सॉल्यूशन और बताऊंगा। तो इसको देखिए, ये ऑन कर रहा हूँ मैं, तैयार हो रहा है प्रिंटर। ये देखिए प्रिंटर ऑन हो चुका है अभी, और इसकी फोटोकॉपी निकाल के दिखा रहा हूँ। मैंने पेपर लगा दिया है ब्लैंक पेपर, और ये मैं इसको कलर कॉपी दिखा रहा हूँ आपको। ये अपना हेड प्रॉपर काम कर रहा है, अभी सारे कलर आ गए हैं। और ये इसकी फोटोकॉपी है, और ये ओरिजिनल है। तो ये अपना प्रिंटर ठीक हो चुका है अभी, हेड की केबल्स वगैरह लगाने का पूरा बता दिया है। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएट कर करके बता दूंगा कि कौन सी प्रॉब्लम से कैसे क्या सिम्टम आते हैं और उसको कैसे ठीक करते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, जैसे ये रेड लाइट वन बाय वन जलती है, जैसे कभी पेपर पे जाएगी कभी इंक पे आएगी, और ये वाली लाइट स्टेबल रहेगी कभी पेपर और कभी इंक पे, और प्रिंटर में आपके आएगा सर्विस रिक्वायर्ड, प्रिंटर इंक पेड इज एंड ऑफ सर्विस लाइफ अगर लिखा हुआ आता है, तो आप मेरे को कॉल करिए, मैं रीसेट करके दूंगा चाहे कोई सा भी प्रिंटर हो। धन्यवाद।